सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, इट्स स्टडी विद करण यादव। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो हिंदी है गोधूली, उसका चैप्टर 4 है नाखून के उभरते हैं, उससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का संग्रह है। तो चलिए बिना समय का वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में, ठीक है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? लखनऊ वीवी से, ठीक है, लखनऊ वीवी से। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नाखून से, ठीक है, नाखून से। अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें बोला जा रहा है कि अलकत का अर्थ होता है आलता, ठीक है। अगला है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिली? तो आलोक पर्व पर, आलोक पर्व पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र था? नाखून, ठीक है। अगला है, आर्यों के पास क्या था? तो इनमें से सभी था, घोड़ा भी था, मिट्टी का घड़ा भी था, लोहा का अस्त्र भी था। अगला है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था, कालिदास ने कहा था। अगला प्रश्न आता है, नखदार मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर, ठीक है, एटम बम पर। अगला, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? गौतम बुद्ध का है। अगला है, नाखून के उभरते हैं के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं की? कहानी का लेखन नहीं किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? मिट्टी की मूर्त है, माटी की मूर्त है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है? वत्स्यायन की, ठीक है, वत्स्यायन की। अगला है, सिकथक का अर्थ क्या होता है? मोम होता है। अगला है, महाभारत क्या है? पुराण है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न रख लेते हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे? तो गौर देश। अगला है, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। अगला है, कौन छोटे नाखून को पसंद करते थे? दक्षिणात्य, मतलब दक्षिण के लोग, ठीक है। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार की विधा है? ललित निबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, दधीची का हड्डी किससे बना है? इंद्र के वज्र से, इंद्र का वज्र से। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? 1907 में, ठीक है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? सेम क्वेश्चन, 1907, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश। अगला है, कौन सब मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? बंदरिया। अगला प्रश्न आता है, देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है? इंद्र को। नख किसका प्रतीक है? पशुता का। अगला 29 नंबर, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1957 में, 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, काफी फेमस रचना है इनका। अगला है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नख किसके जीवंत प्रतीक है? तो पशुवृत्ति के, ठीक है, पशुवृत्ति। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? 1979 दिल्ली में, 1979 दिल्ली में, ठीक है। अगला है हमारा, सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृति को। इस प्रकार हमारा 34 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि चैप्टर 4 से थे हिंदी के, खत्म होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है।